इसरो अपने मून मिशन चंद्रयान 3 के जरिए इतिहास रचने को तैयार है। शुक्रवार को 2:35 पर चंद्रयान 3 श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र उड़ान भरेगा। चंद्रयान के पहले और दूसरे मिशन के बाद यह इसरो का तीसरा मून मिशन है। यह चंद्रयान के दक्षिण ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा, लेकिन दुनिया में चांद पर पहुंचने की कोशिश 60 साल पहले हो गई थी, जब रूस ने अपने मून मिशन लूना 1 को लॉन्च किया था। अमेरिका के नासा रूस से लूना और चीन की चांग ई से तुलना करें तो भारत इस बार कई नए इतिहास रच सकता है, जैसे चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बन सकता है। अब नासा को 2025 में लॉन्च होने वाले अपने मून मिशन आर्टेमिस मिशन से है। दिलचस्प बात है कि भारत के चंद्रयान 3 मिशन का फायदा नासा के आर्टेमिस मिशन को होगा। व्हाइट हाउस का दावा है कि चंद्रयान 3 का डेटा भविष्य में आर्टेमिस मिशन में होने वाली ह्यूमन लैंडिंग के लिए काम का साबित होगा। भारत ने आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके जरिए भारतीय मून मिशन से जुड़ी जानकारी अमेरिका मिशन के काम आएगी। इसरो आज मिशन चंद्रयान 3 को लॉन्च कर रहा है, लेकिन पहले मिशन की शुरुआत 22 अक्टूबर 2008 को हुई थी। चंद्रयान 1 के दौरान विमान ने चंद्रमा के चारों ओर 3400 से अधिक चक्कर लगाकर चौंकाया और चंद्रमा पर पानी है इसके भी संकेत दिए। 22 जुलाई 2019 को इसरो के चंद्रयान 2 ने उड़ान भरी। भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का चौथा देश बनने वाला था, लेकिन लैंडर से संपर्क टूट गया और मिशन सफल नहीं हो पाया, लैंडिंग नहीं हो पाई। अब एक बार फिर इसरो चंद्रयान 3 के साथ चांद पर इतिहास रचने के लिए तैयार है। चंद्रयान को लैंडिंग की प्रोसेस खत्म करने में 42 दिन का वक्त लगेगा और ये 23 अगस्त को चांद की सतह पर उतरेगा। चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग के बाद चंद्रयान 3 उसकी सतह, मिनरल्स की जानकारी हासिल करने के साथ यहाँ आने वाले भूकंपों, सतह थर्मल प्रॉपर्टी, प्लाजा के साथ ही धरती से चांद की सटीक दूरी का पता लगाया जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, मिट्टी में मौजूद केमिकल और मिनरल का स्तर पता लगाने की कोशिश की जाएगी।